पीड़ित लोग जो कार्यवाही के लिए भटक रहे, दर दर छाया पर पुलिस ने नहीं की कार्यवाही। पीड़ित खाताधारकों ने 1 जून को उनके आधार व अन्य दस्तावेजों के लेकर खुलवाने वाली महिला पीड़ित लोग जो कार्यवाही के लिए भटक रहे, दर दर छाया पर पुलिस ने नहीं की कार्यवाही। पीड़ित खाताधारकों ने 1 जून को उनके आधार व अन्य दस्तावेज लेकर खाते खुलवाने वाली महिला छाया परमार को पकड़ लिया था और उसको पहले लुकवासा पुलिस चौकी वार अन्नौत पुलिस थाने ले गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। बाद में पीड़ित बैंक प्रबंधक के पास पहुंचे तो बैंक मैनेजर ने भी अपने खाते बंद कर लो ये बोलकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। इधर पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने लोन के लिए खाता खुलवाया था, अब अपराध कोई कर रहा है और पुलिस हमको पकड़ेगी। 1 माह बाद खातों में ट्रांजेक्शन शुरू। खाते खुलने के बाद 1 माह बाद पता चला कि जिन 150 लोगों के बैंक में खाते खुले, उन सभी के खातों में हर रोज़ पैसों का आना जाना हो रहा है। जब पड़ताल की तो पता चला कि इन बैंक खातों का उपयोग देश के अलग अलग शहरों में रहने वाले शातिर ठग साइबर फ्रॉड करने के लिए करते हैं। अभी तक इन खातों में करीब 1 करोड़ से अधिक का लेन देन हो चुका है, जबकि जिन लोगों के खाते खुले हैं उनको कुछ भी नहीं मिला है। कुछ हितग्राहियों के खातों से हर रोज लाखों रुपए का साइबर फ्रॉड हो रहा है। अगर कोई पुलिस रिपोर्ट आएगी तभी कोई कार्यवाही होगी। हमने सभी लोगों को खाता बंद करवाने की बात कही, पुलिस व बैंक प्रबंधक मामला पता होने के बाद भी नहीं कर रहा कोई कार्यवाही। कहाँ से आए? क्या मामला है आपके लोन का? हमारे लोन का यही है सर के उन्होंने कहा कि आपको हम समुद लाएंगे। किसने कहा? छाया मैडम ने, सेफरी से है ना वो, उन्होंने बोला कि हम आपको 50,000 का समुद लाएंगे, आपकी जो भी समस्याएं है वो सब खत्म हो जाएंगी, गरीबी है जो है सारी, ब्याह में जो करना है वो कर लो। हमारे उतने तो आना 6,000 तो हमसे यहीं पर ले लें, 2,000 रुपए का के लिए 2,000 रुपए घर से ले गए, 4,000 रुपए जहाँ ले लें सेफरी के तुम्हारा खाता खुल रहा है। उससे उसने ईडीएम बनवाए, हमने मैं कई मैडम इनके तुम ईडीएम का एक लाने कर रही है, ईडीएम तुम्हारे लाने कर रहे हैं, पैसे डरवाएं कि इनमें नंबर नहीं आए कि आपके कई इनमें नंबर दूंगी पर्ची जो वो। हमने कही ठीक है आप रख लो, मैंने पूछी मैडम कितने दिन में आ जाएंगे पैसे, उसने कही 6 तारीख, फिर बोली 10 तारीख आ जाएंगे पक्के। अब वो 10 और 20 आज हो रही है, उसने अभी तक नहीं दिया कुछ भी, नहीं पैसा निकाला है। और हमारे साथ तो आपको ये मालूम है आपके खाते से लेन देन हुआ है, कितने रुपए का लेन देन हुआ है? 2,000 के रुपया तो भी मेरे डर तो की और वो निकाल भी चुकी है, मैसेज पता पड़ रहा है, मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, तो आपके साइन नहीं हुए उसमें बैंक में जो निकाले, तो आपके साइन वगैरह नहीं हुए पैसे निकालने में? अच्छा, आपकी किताब वगैरह और एटीएम वगैरह किसके पास है? आधार कार्ड सब के पास है। अच्छा, सब जी हमारे आज सब जी पाप जी कृपा जी साथ रोक रहे हैं, वे भी नहीं कर पाए सब्जी जो आपको मिलती है, कितनी मिलती है? 1,000 महीना मिलता है। अच्छा, भी रोक रहा है हमारी, अब कैसे न करेंगे ठीक। कहाँ से आए हो? क्या मामला हुआ है आपके खाते से पैसे निकल गए हैं, लोन लिया क्या है? छाया कौन है ये? शिवपुरी की। क्यों आई थी? कैसे मुझे लाऊंगी मैं पैन कार्ड? अच्छा, समुद लाएंगी फिर? 50,000 को दबाऊंगी तो मैं वो पैसा दे दूं कहीं और का 10,000 रुपया दे कहीं। अच्छा, 40,000 तुम तेमी हो जाएंगे, 10 मुँह दे दो। हमने फिर ले गई तो फिर ले गई, हमने बोली मैंने कही कितने दिन में हो जाओगे काम, सर अब तुम 8 दिन हम मान रहे हैं 10 दिन, अगर तू 8 बता रही है हम 10 बता रहे हैं। फिर मैंने कही, फिर बोली हमने फोन लगा, फोन नहीं उठा, महीना फागुन के लग रहे हैं हमारे कागज। फिर वहाँ बोली फिर कही तुम तो कही दीदी कही मटान डाई रही हो कही मैं बहियाँ आ रही हूँ, हमने बाबा इंतजार करो वहाँ को, मैंने कही सारी ले कर कही आ रही हूँ मैं कही तुम्हारी कही सब कही मैं वहीं बता दूँगी कि नहीं कही। हमने हेरी बाट बोना है आज, हम बोली मैंने कही भाई साहब दिन जा बोली टड़िया दबारे से, मैंने कही तुम पता पारो कैसा का कैसा पकड़ी होगी अब बन कर, मैंने कही कैसा नहीं होगी। हमने जिन ने लगा दा हम टड़ियाद की रोड पर पहुँच गए तो जिन ने पकड़ा दई, हमें ही बदरवास के थाने में ना ले जान दई, 40 बारी परी तो नरोद ले गई, नरोद से ले कर
पचाली को सरपंच का बोलो के तिमरो तो बदरवास थानो लगता है और मैं तिमरो काम नहीं कर रहा सिपाही के हमरी रिश्ते दान नहीं है हम तो छोड़ भी जाए सीपरी जा रहा है हमने को बोले सिपाही बोले कहाँ के रन्नौत के हमें तो रिश्ते दान नहीं है हम तो नहीं भाई पगार पे जा रहे हैं छोड़ के हमने मोटरसाइकिल सरपंच ने कही सरपंच ने जब जा 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 भी कही कि तुम मेरे गांव की नहीं है तुम अपना पुरखी तुम्हारी बदरवास थाना लगता है मैं नहीं कर पा रहा तुम रो खा और का गाड़ी बाकी पचाली दारी है अब हमारे साथ कोई आदमी हो तो हमारे आदमी गाड़ी लाती बदरवास लाती वाही कार्रवाई करते और खा जब मामलो है हम जी छाया कहाँ की है छाया सीपरी की अच्छा कितने लोगों से ऐसे पैसे लिए हैं पैसा लाए हमरे 23 आदमी के वैसे हमरे यहाँ मतलब अस्सी नब्बे अस्सी आदमी है वैसे तो अच्छा अस्सी नब्बे ठीक नाम मोंटी चढ़ा रहा है क्या मामला हुआ है ये ठगी का आपके साथ बैंक में पैसे निकाल लिए बता रहे हो आप क्या पूरा मामला है मैडम आंटी बोली हमारे से कि आप समूह लोन लेना चाहते हो हमने कहा हाँ लेना चाहते हैं तो मैडम हमारे से दो दो हज़ार रुपये निस्पत ले गई निस्पत ले कर हमारा खाता खुलवाया यूके बैंक में कहाँ पे यूके बैंक सीपरी यूके बैंक सीपरी में खाता खुलवा कर एटीएम पासबुक बैंक से वो मैडम ही ले गई और हम लोग को अब बाद में पता चला तो हमारे रिकॉर्ड चेक करवाया उसमें हमारे पैसे का लेन देन हुआ है हमको कोई इसका बारे में जानकारी नहीं है आपको कैसे मालूम चला आपके लेन देन के बारे में बैंक में पैसे आ गए और हमको बैंक वाले ने बताया कि आपका लेन देन हो रहा है और ऊपर से पुलिस होल्ड लगा रही है इसलिए हमने फिर सबका चेक करवाया पुलिस थोड़ी होल्ड लगाती है किसने लगाया होल्ड मैनेजर ने होल्ड लगाया बताया कि होल्ड हम पे ऊपर से कहीं सा और बड़ा बैंक है इसलिए कि वहाँ से दबाव पड़ रहा है इतना लेन देन एक दिन में कैसे हो रहा है तो हमने फिर और लोगों का भी चेक करवाया और लोगों का चेक करवाया तो सबके में से दो दो ढाई ढाई तीन तीन लाख का गेम हो रहा है लेकिन इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं अच्छा हाँ इसकी शिकायत आपने कहीं की हाँ इसकी शिकायत हमने की कल गए थे एसपी ऑफिस में हमारा आवेदन एसपी ऑफिस में लगाया गया है कल ऐसे कितने लोग हैं जिनके खाते हैं दो दो हज़ार रुपये ले लिए और जिनके खातों से लेन देन हुआ है इतने 70-80 के करीब लोग हैं कुछ हतनापुर के हैं हम भैरवगढ़ के हैं कुछ पचावली के हैं इसलिए एक बार पहले मैडम को पकड़ लिया था हम पुलिस चौकी पर लाए लुकवासा लानकर और जिसके बाद में फिर उसको रन्नौत थाने में ले गए थे क्योंकि पचावली वाले साथ थे तो वो बोले हमारा रन्नौत थाना लगता है इसलिए रन्नौत थाने में ले गए फिर क्या हुआ फिर मैडम को हमको भगा दिया और मैडम को भी छोड़ दिया वहाँ हमारा पैसा लिख लिया उन्होंने सरपंच साहब थे पचावली वाले मैडम का क्या नाम था मैडम का छाया परमाल नाम था कहाँ की हैं ये सुपरी की हैं अच्छा खाते आपने कहाँ पे खोले थे यूके बैंक सुपरी चौराहे पे मेरा नाम लखन क्या मामला है आपका जी मामला ये है कि छाया मैडम आई कौन है छाया मैडम छाया मैडम भगवान जाने जी समूह बनाती हैं तो उनने जी बोला के आप सम लोन ले लो तो हमने जी बोला कि लोन का एहसास मिल रहा होगा पिन कार्ड पे 50,000 रुपये मिल रहे हैं आप तो आप 50,000 रुपये पिन कार्ड में दिलवा दूँगे आप 10,000 रुपये दे दो 10,000 रुपये दे दो आप 10,000 रुपये दे के आपको मैं 40,000 आप रख लेना 10,000 मुझे दे देना तो 10,000 रुपये रिश्वत पर पहले ले ली लेने के बाद में फिर जो है हम बैंक आए तो हमारा खाता खुलवाया खाता खुलने के बाद खुला खाता खाता वो यूको बैंक में कहाँ पे सीपरी तो खाता खोलने के बाद में फिर भी ये बोली कि बोले तुम्हारा 8 दिन में पैसा आ जाएगा तो 8 दिन छोड़ महीना डेढ़ होगा हमने विचार करो यार भाई अभी तक 8 दिन की बोली थी उनने तो अभी तक कोई पैसा नहीं आया ये पैसा हो क्या रहा है इससे मैंने बोला कल्ला से कि कल्ला तुम जाकर पता करो यार अपने पैसों का 8 दिन की बोली थी मैडम ने तो फिर एक दिन मैडम बोली कि बोले मैं वहीं आ रही हूँ तो वहाँ आई तो बोले साइड माइट चालू कर ली उनने बोले 8 आदमी की बिन्ने पर नंगूठा फिंगर लगवा इसके बाद में भाई बोली बोले 60 नहीं चल रही तो मैंने फिर जो बोला कि 8 दिन 2 महीना हो गए अभी तक तुम्हारी 60 में क्या हो रहा है तो उस दिन से फिर भी आई नहीं उस दिन से नहीं आई इसके बाद में फिर मैंने वहाँ से जाके और फिर पूरा घपला करना शुरू कर दिया मैंने खाता खुलने के बाद में तीन दिन बाद से घपला किया है उनने और एक तारीख तक उनने घपला किया है आज जाके में से कल बाकी में से और नंबर भी मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्डों से निकाला गया हमारी आधार कार्ड पूरी डिटेल हमारी बैंक में रखी है बैंक में उससे आधार कार्ड का मोबाइल निकाला गया नंबर उससे जो है मोबाइल में नंबर ईटीएम जो भी कुछ लगाया उन्हें खाते से पैसा निकाला गया है कैसा गया है जो ट्रांसफ़र किया है वो जाने में
उसने किया जाए। ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऐसे लोग हैं? कम से कम 70-80 आदमी, 75 आदमी बैठे हैं। कहाँ कहाँ के हैं? अतनापुर के हैं, बीजापुरा के हैं, अपने भैरवगढ़ के हैं, पीरार के हैं, हैं इतने गांव के और पचावली के भी हैं, और दो चार गांव की नूजू और भी है, लेकिन उनके मैं नहीं बता पाऊँगा साहब जो अपने समक्ष में आ